नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत बेस्ट भजन बताने के लिए जा रहे हैं। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधे रानी का, ठीक है। और बहुत सुंदर सा भजन है, बहुत अच्छा है और काफ़ी बहुत सिंपल भी है, वेरी सिंपल है, आसानी से आप बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जीरो से बजाने वाले हों, चाहे आप नया ही आज ही हारमोनियम को खोला हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% आपके समझ में आने वाला है। बस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, देखिएगा किस तरीके से ये बजेगा हमारा, सिर्फ वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का, ठीक है। और विद अंतरा के साथ आप लोगों को, विद नोटेशन और गिनती के साथ में, हर पूरा पूरा प्रयास रहेगा हमारा हर तरीके से समझाने का आपका। बस तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपके 100% समझ में आएगा बस। और एक लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आ जाइए, देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम किस तरीके से इस वाले गाने को अपने बजाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे चौथी गाली से ले रहे हैं, 1 2 3 4। काफी कमेंट जो है रहते हैं कि इसी सार से बहुत सारे लोग बताते हैं, और जो फीमेल हैं वो अपने यहाँ से बजाती हैं, और काफी गांव देहात में जो लोग होते हैं भजन कीर्तन वाले, वो 1 2 3 4 चौथी काली से अक्सर जो है लगभग 80% लोग यहीं से प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम आपको आज ये जो ये गीत है वो बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से है। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। ये चीज हमारी स्थाई में है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारी अंतरा, तो देखेंगे हम दोनों चीजें। देखो इसे हम किस तरीके से प्ले करेंगे, ठीक है। ये हमारा सीधा पास से गाना उठेगा कि वृंदावन में हुकुम चले, ये चीज पहली नोटेशन हमारी रहेगी कि वृंदावन, यहाँ पर सीधा पास से उठेगा, वृंदावन में हुकुम चले, हल्का सा नी का टच है, हल्का सा है, ज्यादा नहीं है। देखो वृंदावन में हुकुम चले इस तरीके से, वृंदावन में हुकुम चले पा पा पानी धानी, और पा पा नी हल्का सा टच है, वृंदावन में हुकुम चले, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि पा दा पा मा, वृंदावन में हुकुम चले बरसा, यहाँ पर वृंदावन में हुकुम चले बरसाने बरसाने, मा गा मा मा बरसाने वाली का। यहाँ पर समझ लीजिए आपका गाना क्लियर हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। बस समझने की बात यहाँ पर आपकी भैया यही है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अरे वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, पूरा फुल नोटेशन हम आपको बता दे रहे हैं, पा 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 धा पा मा मा गा मा धा पा गा रे सा, यहाँ पर गा रे मा गा रे सा है, ठीक है, लेकिन फास्ट है यहाँ पर, यहाँ पर गा रे मा गा रे सा है लेकिन फास्ट है, इस तरीके से देख लीजिए। और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ये चीज है थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने की बात है, थोड़ा फास्टली है क्योंकि कर स्वर ज्यादा है इसलिए। वृंदावन में हुकुम चले वृंदा वृंदा, पासा कर लीजिए या सीधा पास से उठा लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, गारे मारे सा, एक बार और देख लीजिए फिर मैं आगे का आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुकुम चले
इतना वृंदावन में हुक्म चले तीन बटनों पर। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने, बरसाने, बर और फिर साने, बरसाने वाली। अब यहां पर बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली का, यहां पर थोड़ी सी अलाप है। बरसाने, बरसाने बालिका, यहां पर हमें मां नहीं लेना, गाने मां नहीं लेना है। देखो बरसाने बालिका, जब हम यहां पर बरसाने वाली कहेंगे तो मां को छोड़ देंगे, पहले मां यूज करेंगे। बरसाने बालिका, ये भे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बाली का। क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट लाइन है, मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम सा पा सा रे। देखो, मेरा श्याम दीवाना है, सा पा सा रे सानी गा गा रे रे सा। बस इतना ही है पूरा, आपकी स्थाई क्लियर हो जाएगी इतने में ही। ठीक, इतने में, मेरा श्याम दीवाना है, पास यहाँ पर सा पा सा रे सानी नी गा गा रे रे सा। मेरा श्याम दीवाना है, डबल है यहाँ पर ये चीज। मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधे श्री राधे रानी का, श्री राधे रानी का। क्लियर हो गया ना, 100% स्थाई आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार हम पूरा बजा देते हैं, फिर अपनी बात करते हैं हम आंतरा की ओर, क्योंकि आंतरा नहीं जब तक गाने की बजेगी तब तक आनंद नहीं आता है। ठीक है, ये तो स्थाई हमारी हो गई, एक स्थाई को हम पूरा बजा देते हैं कि वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर। ये चीज हमारी आंतरा में रहेगी, बहुत सिंपल आंतरा है, देखिएगा और बस यही अंतरा में चलेगा। कभी डाली डाली पर पामा गा रे सा, कभी डाली डाली पर पामा गा रे सा, कभी डाली डाली पर। क्लियर, कभी पत्ते पत्ते पर। अब ये चीज है, कभी डाली डाली पर और कभी पत्ते पत्ते पर। ठीक है, देख लीजिए, कभी डाली डाली पर, क्लियर, कभी पत्ते पत्ते पर, ला 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 ला। फिर हमारी स्थाई चालू हो जाएगी। बस इतना निकालिए, इतने पर ही अंतरा दो बार बोली जाएगी, दो लाइनें होती हैं, दोनों लाइनें इसी पर चलेंगी। ठीक है, पा मा गा रे सा और मा गा मा पा, बस पा मा गा रे सा और फिर सीधा सा पर, सा से मा पर। कभी पत्ते पत्ते पर सा मा सा मा पा गा मा पा पा पा, यही है बस। कभी कभी डाली डाली पर कभी पत कभी पत्ते पत्ते पर, अरे वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का। बस कुछ ज्यादा ही नहीं, एक बार और अंतरा को देख लीजिए, कभी डाली डाली पर, ठीक है, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी पत्ते पत्ते पर, वृंदावन में हुकुम चले। बस इतना है, आगे कुछ आपको बजाने की जरूरत नहीं, इतना ही आप बजा लीजिए और आसानी से गा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।